हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो नया चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर से रिलेटेड बाकी जो बचे हुए टर्म्स थे उनको हम इस वीडियो में कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी नंबर 5 को देखेंगे। इस एक्टिविटी में क्या है, इसमें आपको टारगेट किया गया है, यानी एम है टू फाइंड आउट विच रिटेन्स मोर वाटर बिटवीन सैंड एंड क्ले, यानी क्ले सॉइल और सैंड सॉइल के बीच में आपको फाइंड आउट करना है कि किसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेटर होती है। तो सैंड की बेटर नहीं होती है, आपको पहले से मैंने बताया हुआ था, क्ले की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही एक्टिविटी हमें करके देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि एक में दो टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं और उनके ऊपर फनल लगाए गए हैं, और एक में सैंड भरा गया है और एक में क्ले भरा गया। ऊपर से वाटर डिप किया जा रहा है और फिर जो वाटर डिप किया जा रहा है वो सेम अमाउंट का वाटर फिल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर किस में ज़्यादा आया है, किस में कम आया है। जिसमें कम आया है इसका मतलब उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उसने वाटर को होल्ड करके रखा है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आगे करते हैं। यहाँ से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल्स, यानी अलग अलग सॉइल्स की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको हम लोग देखेंगे। सैंडी सॉइल इज़ ईजली परमेबल टू वाटर एंड इज़ वेल एरेटेड, सो इट अलाउ वाटर टू ड्रेन थ्रो क्विकली। यानी जो सैंडी सॉइल होती है वो आसानी से, यानी उससे जो है वाटर छन जाता है। कहने का मतलब यह है वो हवादार होता है, हवादार तो है लेकिन उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, इसलिए वाटर को अलाउ कर देता है ड्रेन थ्रो क्विकली, यानी उसके बीच में जो छिद्र हैं उससे वो आसानी से चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लेई सॉइल टेक्स अप वाटर स्लोली बट कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर, इट कैन काज वाटर टू स्ट्रेन एंड कलेक्ट अबव इट्स सरफेस, स्ट्रेंथ कलेक्ट अबव इट्स सरफेस आफ्टर ए हैवी रेन, दिस लीड्स टू वाटर लॉगिंग। तो यहाँ पर जो क्लेई सॉइल है वो क्या करती है, वो वाटर को धीरे धीरे स्लो, यानी उसमें स्लो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, उसके बीच में जो है उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को ज़्यादा पास होते हैं जिससे जो है वाटर उनसे बह नहीं पाता है। तो आफ्टर हैवी रेन, यानी आफ्टर अगर काफ़ी तेज़ी से रेन होती है तो वाटर उनके ऊपर से बहने लगता है। ठीक है, उसके नीचे वो उनको नहीं जाने देता है। ठीक है, दिस लीड्स टू वाटर लॉगिंग। तो यहाँ पर ये आप जैसा कि यहाँ पर कोई वाटर में सुराग नहीं होगा तो क्या करेगा, वाटर जो है आगे की दिशा में बहने लगेगा, सॉरी वाटर में नहीं उस लैंड में, यानी जो क्लेई सॉइल। नेक्स्ट है लूमी सॉइल होल्ड द राइट अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ प्लांट ग्रोथ ह्यूमस एंड सिल्ट प्रेजेंट इट इन इट हेल्प इन होल्डिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। जो लूमी सॉइल है ये सबसे अच्छी मानी जाती है, क्यों, क्योंकि ये राइट अमाउंट में वाटर को होल्ड करती है और प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। क्या इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमस एंड सिल्ट जो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी में मिनरल्स ये स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिल्ट के बारे में लिखा हुआ है। सिल्ट क्या है, ए टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल दैट इज प्रोड्यूस बाई मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक, यानी मैकेनिकल प्रोसेस से जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो रॉक से वेदर होके आए हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉक फ्लोर, यानी जो चट्टानों के फ्लोर से बहकर आए हैं, और स्टोन डस्ट, या हम कह सकते हैं स्टोन डस्ट है। ठीक है, इट साइज बींग लार्जर देन क्ले, इसका जो साइज है वो क्ले से बड़ा होता है, बट स्मॉलर देन सैंड, लेकिन सैंड से छोटा होता है। सिल्ट अकर्स एज ए डिपॉजिट इन फ्लोइंग रिवर बेड्स एंड गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू प्लेन्स बाई एनुअल फ्लड ऑफ रिवर्स क्रिएटिंग ए वेरी फर्टाइल सॉइल। तो यहाँ पर इसके बारे में ये सब बताया गया है कि जो सिल्ट है वो बहकर आ रही है रिवर से। ठीक है, और कहाँ पर बहकर आ रही है, प्लेन्स में, जब एनुअल फ्लड्स होते हैं यानी जो बाढ़ आती है वो बाढ़ ये बहा कर ले आती है और ये फिर हमारी सॉइल को बहुत ही फर्टाइल बना देती है। ठीक है, लेट अस रिवाइज के क्वेश्चन है, इनको आप लोग देख लेंगे उसके बाद आप करेंगे। योर विजडम में पूछा गया है, व्हाई आर सैंडी एंड क्ले सॉइल
अनसुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए सैंडी और क्ले सॉइल सुटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि एक में ह्यूमस है एक में ह्यूमस नहीं है, ठीक है, एक की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेटर है एक की नहीं है। वाई आर बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड फाउंड नियर रिवर बैंक, यानी एग्रीकल्चर के लिए जो नदी के किनारे का क्षेत्र है वो क्यों बेस्ट माना जाता है, ये आपको सोचना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का मैप बना हुआ है और ये कलरफुल है, तो ये जो रीज़न वाइज कलरफुल है ये आपके सॉइल का लोकेशन प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एलोवियल सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ठीक है। तो ये जो कलर वाइज है ये कलर वाइज यहाँ पर पाए जा रहे हैं। जैसे डेजर्ट सॉइल की हम बात करते हैं तो इसका कलर यहाँ पे येलो दिया हुआ है, तो डेजर्ट सॉइल हमारी येलो ये है, ठीक है। तो इस रीज़न में डेजर्ट सॉइल पाई जा रही है, जो ये कौन सा रीजन है, ये राजस्थान और पंजाब का रीजन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग हमारे सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रॉप्स इन इंडिया को देखेंगे। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो, प्लांट्स को आवश्यकता है ग्रो करने के लिए, उसके लिए सॉइल भी ज़रूरी है। डिफरेंट क्रॉप्स इन इंडिया रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर देयर ग्रोथ, यानी हमारे भारत में डिफरेंट यानी अलग अलग टाइप्स के सॉइल होती हैं जिनमें आपके प्लांट ग्रोथ करते हैं, या हम जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं वो अलग अलग जगह से अलग अलग वैरी करता है, ठीक है। द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप ग्रोथ आर साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, मॉइस्चर कंटेंट, अवेबिलिटी ऑफ एयर, सुटेबल पीएच एंड सप्लाई ऑफ मिनरल्स, यानी यहाँ पर ये बताया गया जो वेरियस फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे क्रॉप की ग्रोथ को, वो क्या है, सॉइल के पार्टिकल हैं, मॉइस्चर है, एयर की अवेबिलिटी है, और सुटेबल पीएच, पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी जो आपने पीएच पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में एसिड एंड बेस वाले में, उसी की बारीक की जा रही है, उसी की बात यहाँ पर लाई गई है, ठीक है। एंड सप्लाई ऑफ पीएच एंड सप्लाई ऑफ मिनरल्स, और जो मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई की बात की गई, ठीक है। सॉइल ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बाई क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक विंड, टेम्परेचर फ्लैक्चुएशंस, लाइट, रेनफॉल, स्नो एंड ह्यूमिडिटी। और सॉइल हमेशा जो अफेक्ट होती है उसके पीछे क्या क्या हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं यानी मौसम संबंधी चीज़ें हैं, जिसमें आपका विंड यानी हवाएं, टेम्परेचर यानी तापमान, फ्लैक्चुएशन किसका, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी तेज़ हो रहा है कभी धीमे हो रहा है, लाइट का हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, स्नो यानी बर्फबारी है, या ह्यूमिडिटी आर्द्रता ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सब का भी वहाँ पे असर पड़ता है। दे अफेक्ट द रेट एट विच केमिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस कम्बाइन टू डेवलप सॉइल इन ए पर्टिकुलर प्लेस। तो यहाँ पर ये अफेक्ट करते हैं किसके रेट को, जो आपके केमिकल फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं ये कंबाइन मिलकर डेवलप करते हैं सॉइल को किसी एक पर्टिकल प्लेस पर, और फिर जो है ये उसके इफेक्ट करते हैं उसके रेट को, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर्स डिटरमाइन द वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, यानी ये जितने भी फैक्टर्स आपको ऊपर बताए गए हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीज़न, यानी आपके जो केमिकल रीज़न है, फिजिकल रीज़न है, बायोलॉजिकल रीज़न है, या ऊपर जो हमने इफेक्ट देखे थे, फैक्टर्स देखे थे, विंड, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, लाइट, रेनफॉल, स्नो, ह्यूमिडिटी, ये सब भी इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द वेजिटेशन acts to stabilize soil during their development and helps to prevent soil erosion, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो यानी जो वनस्पतियाँ हैं उनके ऊपर जो एक्ट हो रहा है, स्टेबलाइज सॉइल्स ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट एंड हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरीजन, ठीक है। सॉइल इरीजन क्या है, यानी मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बहाव, उसकी बात की गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉइल्स फाउंड इन इंडिया आर ऑफ सिक्स मेन टाइप्स, यानी हमारे भारत में मुख्यतः छह तरह की मिट्टी पाई जाती है, जिनमें है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल। माउंटेन सॉइल आपके हिमालय रीजन में, डेजर्ट सॉइल आपके राजस्थान और पंजाब वाले रीजन में, और ब्लैक सॉइल हमारी जो पाई जाती है, इसको मुझे देखना पड़ेगा, ब्लैक सॉइल आपके मध्य प्रदेश और कुछ भाग राजस्थान का है, कुछ भाग गुजरात का है, कुछ भाग हमारे उत्तर प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। ये वाला आप देख पा रहे हैं ना, ब्लैक सॉइल वाला, ये वाला सेक्शन है
और रेड सॉइल वाला भी हम देख सकते हैं, रेड सॉइल भी हमारे बिहार यूपी के कुछ भाग हैं, ठीक है, और हमारा मध्य प्रदेश का भी भाग है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, उनके सबके भाग हैं, ठीक है। और रेड देखिए, ज़्यादा रेड दिखाई दे रहा है ना, तो जहाँ जहाँ रेड है, ये आपको अगर भारत का मैप पता होगा कि किस जगह पे किस स्टेट का लोकेशन है, तो आप अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो आपके एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। जो लेटराइट सॉइल है वो जो हमारे, देखिए यहाँ पर लेटराइट सॉइल कहाँ पे पाई जा रही है, ये है जो हमारा ये वाला क्षेत्र है समुद्र तट के नज़दीक वाला, यहाँ पे पाई जा रही है, और कुछ यहाँ पे पाई जा रही है, ये कलर वाइज आप देख सकते हैं, तो इसको लोकेशन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा है समरी ऑफ सॉइल टाइप्स इन इंडिया, यानी भारत में जो सॉइल हैं उनकी क्या समरी है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, ये कहाँ पाई जा रही है, देखिए लोकेशन की बात की गई है, प्लेन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, कोस्टल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी जो ये एलुवियल सॉइल है जिसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये हमारे पंजाब, प्लेन्स ऑफ पंजाब यानी पंजाब का जो मैदानी भाग है, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, और कोस्टल एरिया यानी जो तटीय क्षेत्र है उड़ीसा का और आंध्र प्रदेश का, वहाँ ये पाई जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, ये जो सॉइल होती है इसका फीचर्स क्या है, ये बहुत फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड सैंड, वास्ट वाई फास्ट फ्लोइंग रिवर ऑन रिवर बैंक्स, यानी जो नदियां हैं वो बहा कर लाती हैं, ठीक है। इनको जैसा भी हमने देखा था सिल्ट कहाँ से आ रहा था, जो स्टोन डस्ट है या जी जो रॉक फ्लोर है वही आपका क्या है, सिल्ट है, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल क्रॉप ग्रोन कौन सी होती है, इसमें राइस, व्हीट, सुगर केन, जूट, ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल और रेंगुर सॉइल, यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आर विच सॉइल वी नोन एज ब्लैक सॉइल और रेंगुर सॉइल, तो रेंगुर सॉइल के नाम से हम किसे जानते हैं, ब्लैक सॉइल को जानते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, इसकी लोकेशन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, और इट इज़ फॉर्म फ्रॉम लावा ऑफ वॉल्कोनिक इरप्शन, इट इज़ रिच इन मिनरल कंटेनिंग आयरन एंड मैग्नीशियम, इट इज़ क्ले इन नेचर, और ये कहाँ से पाई जा रही है, ये आपके जो लावा है, कहाँ किसका लावा, वॉल्केनिक इरप्शन यानी जो ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उससे जो लावा बहता है उसी से जो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो, जिनमें आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है, इट इज़ क्ले इन नेचर, इसका जो नेचर होता है वो क्ले ही होता है। क्ले सॉइल के बारे में आप जानते हैं, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बेटर होती है, बट ये एरेटेड नहीं होती है, इसमें छिद्र नहीं होते हैं जिससे हवा नहीं आदान प्रदान हो पाती, ठीक है। तो कॉटन, शुगर केन, इसमें अच्छी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी, इंटीरियर रीजन्स ऑफ केरला, यानी जो केरला के इंटीरियर रीजन्स हैं यानी जो आंतरिक क्षेत्र हैं, तमिलनाडु, साउथ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और आपके मध्य प्रदेश के ईस्ट वाला भाग उड़ीसा, इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी इसका कलर जो रेड होता है वो किसके रीज़न से होता है, तो आयरन ऑक्साइड के रीज़न से होता है, ठीक है। इट इज़ पोरस एंड लैक्स ह्यूमस, यानी इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है लेकिन इसमें छिद्र वाली होती है, ठीक है। तो मेज ज्वार बाजरा, मेज यानी आपका जो जौ है, बाजरा है, जो ऑयल सीड्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। लैटेराइट सॉइल आपके जो है ये पाई जाती है ह्यूमिड रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी हमारे जो वेस्टर्न घाट हैं उनके जो ह्यूमिड रीजन है यानी जो आर्द्रता वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे पाई जाती हैं, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम। तो वेस्टर्न घाट हमारे जो यानी जो वेस्ट में हैं, जैसे वेस्ट में आपके कौन से हैं, आपके वेस्ट में जो हैं जैसे आपका है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरला है, कर्नाटका है, ठीक है, तमिलनाडु है, तो पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु,
जो वेस्टर्न घाट है उनकी बात की गई है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम यहाँ पे पाए जाते हैं। और इट इज़ रेड इन कलर, क्ले इन नेचर, लेस फर्टाइल। ये इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, रेड आयरन ऑक्साइड के रीजन से होता होगा, क्लेई यानी क्लेई है नेचर में और लेस फर्टाइल, और ये फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है। यहाँ पर टी, कॉफ़ी, कोकोनट पाया जाता है। इसकी क्रॉप इस सॉइल में कौन सी क्रॉप है, टी, कॉफ़ी, कोकोनट। माउंटेन सॉइल यानी जो हमारी पहाड़ों पर, हिल्स पे पाए जाने वाली जो सॉइल है उसकी बात की गई है। द हिली एरियाज ऑफ असम यानी असम का जो हिल वाला क्षेत्र है असम, उसमें पाए जा रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड एंड इन द हिमालयन रीजन्स यानी जो आपके हिल रीजन्स हैं जिनमें असम, उत्तराखंड, ठीक है, वो है। इट हैज़ द हाईएस्ट ह्यूमस कंटेंट एंड इज़ वेरी फर्टाइल। इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड स्टोन्स, क्ले शेल्स एंड लाइम स्टोन। ये किसके बनी हुई है, ये आपकी बहुत ही फर्टाइल होती है और ये बनी होती है सैंड की, स्टोन्स की, क्ले की, शेल्स की एंड लाइम स्टोन। लाइम स्टोन मतलब होता है जो पत्थर होते हैं चूने वाले, उनकी बात की गई है, ठीक है। फिर है इसमें कौन किस क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल एंड ऑरेंज, राइस, मिलेट, मेज। मिलेट को बाजरा कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मिलेट बाजरा, सॉरी यहाँ पे हमारा है। नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल यानी बालू, जो आपकी रेतीली मिट्टी है उसकी बात की गई, ठीक है। एराइड रीजन्स ऑफ राजस्थान यानी जो हमारे राजस्थान का जो ऐसा भाग है जहाँ पर कोई भी वनस्पतियाँ नहीं हैं, एराइड रीजन्स है यानी जो शुष्क भाग है उसकी बात की गई। और उसका सम पार्ट्स ऑफ गुजरात यानी गुजरात का कुछ पार्ट, गुजरात में जो कच्छ का रण है उसकी बात की गई है। इट इज़ सैंडी, कोर्स एंड पोरस, इट लैक्स ह्यूमस एंड हैज़ हाई साल्ट कंटेंट। और इसका जो क्रॉप है यहाँ पे बाजरा जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन इस रीजन में की जाती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है सॉइल एज ए फैसिलिटेटर फॉर परकोलेशन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर यानी अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो सॉइल है वो कैसे फैसिलेटर और की तरह काम कर रही है। जैसे द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय द सॉइल डिपेंड्स अपॉन इट्स टेक्सचर यानी जो वाटर है वो राइट अमाउंट में अगर सॉइल में आ रहा है, उसकी बनावट में आ रहा है, तो वाटर इज हेल्ड बाय द सॉइल इन स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल यानी जो सॉइल के बीच जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वाटर होल्ड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कैपलरी वाटर एंड इज अवेलेबल टू द प्लांट्स रूट फॉर एब्जॉर्शन यानी जो वाटर उनके बीच में होल्ड हो जाता है वो हम उसको हम क्या कहते हैं, कैपलरी वाटर कहते हैं। और जो वो अवेलेबल होता है किसके लिए, प्लांट की रूट्स को अवेलेबल होता है कि वो उसको एब्जॉर्व कर सकें। व्हेन इट रेन्स यानी जब बारिश होती है द सॉइल सोक्स अप, तो बारिश तो सॉइल क्या करती है, उस वाटर को सोख लेती है यानी आप देखते होंगे जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है लेकिन पानी कुछ दिन में गायब हो जाता है, तो कहाँ गया, वो सोख लिया गया। अब वाटर एंड सम वाटर गोज डाउन द पार्टिकल्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे अर्थ पे ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे खींचता है, ठीक है। दिस वाटर कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर और इस तरह के वाटर को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। सम ऑफ दिस वाटर सीप्स अंडरग्राउंड एंड एकोमुलेट्स एज ग्राउंड वाटर, तो इस तरह जो वाटर है उसका वाटर का सीप्स हो जाता है यानी वो उनका जो है नीचे पहुंच जाते हैं, रिसाव हो जाता है अंडरग्राउंड, वो नीचे पहुंच जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं एंड एकोमुलेट्स यानी उनका एक तरह से भंडारण हो जाता है यानी वो संचय कर लिए जाते हैं एज ए ग्राउंड वाटर के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर टेबल के बारे में कुछ बताया गया है, तो वाटर टेबल इसको मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। व्हेन रेन वाटर सिंक्स यानी जब बारिश होती है अंडरग्राउंड, इट रीच द इम्परवियस लेयर डी हॉरिजन, तो हमारी जो डी हॉरिजन है वहाँ पर वाटर पहुँच जाता है एंड एकोमुलेट्स और वहाँ पर उसका भंडारण हो जाता है। ओवर इट
दिस वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, इसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. तो द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर विच इज सेटल्ड विथ वाटर इज विच इज सैचुरेटेड विथ वाटर इज द वाटर टेबल. वाटर टेबल इज रेयरली लेबल्ड बाई लेबल्ड एंड फॉलोज द जनरल स्लोप ऑफ लैंड अबव इट. द लेवल ऑफ वाटर टेबल फ्लक्चुएट्स फ्रॉम सीजन टू सीजन. इट राइजेज इन द रेनी सीजन एंड फॉल्स इन द ड्राई सीजन. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया कि अपर लेवल से वाटर सेचूरेटेड हो जाता है, कहाँ, यानी छन के नीचे पहुँच जाता है, और रेयरली जो लेवल है किसका, वो जनरली क्या होता है, स्लोप से ऑफ जो लैंड है, यानी लैंड जो स्लोप से लैंड की ओर पहुंचता है और लैंड उसको सीप्स कर लेता है, यानी उसका रिसाव हो जाता है लैंड पे, ठीक है. तो इस तरह वाटर फ्लैक्चुएट्स करता है सीजन टू सीज़न, यानी गर्मियों में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है. तो क्यों, क्योंकि हम नीचे का पानी तो खींच रहे हैं ना, जो ग्राउंड वाटर है उसी को तो हम एज ए ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज़ करते हैं, और जब बारिश होती है तो वो फिर से भर जाता है. आप देखते होंगे, आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जो हमारे घर के नल होते हैं, जब हैंडपम्प्स हैं, वो जब बहुत ही गर्मी होती है तो वो बहुत टाइट चलने लगते हैं, यानी वो वाटर को छोड़ देते हैं ना, तो काफ़ी नल चलाने पे पानी निकलता है. नेक्स्ट पेज अब हम देखेंगे. नेक्स्ट पेज में यहाँ पे एक्टिविटी 6 है, इसको आप अपने आप करेंगे, जब नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे. फिलहाल यहाँ पर यही जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर पहुँचता है उसी को बताया गया है कि कैसे पहुँच रहा है. यहाँ पे एक करके दिखाया गया, देखिए एक बॉटल है, दो बीकर लिए गए हैं, दो इसमें टेस्ट ट्यूब रखी गई हैं, और ये स्टोन और कुछ उस तरह के पार्टिकल्स रखे गए हैं, ठीक है. फिर है हमारा सॉइल इरिजन, यानी जो मिट्टी का कटाव है उसकी बात की गई है. सॉइल इरिजन इज द ग्रेडुअल रिमूवल और वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस बाई नेचुरल एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड, वेव्स एंड स्नो. यानी जो मिट्टी का कटाव होता है वो ग्रेजुअली, यानी वो क्रमशः किसके कारण होता है, वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस बाई नेचुरल एजेंट्स. उसके कुछ नेचुरल एजेंट्स है लाइक रनिंग वाटर, यानी जो बहता हुआ पानी है वो, विंड हवा, वेव्स यानी जो तरंगे हैं वो, या स्नो, ठीक है, स्नो यानी बर्फ. इट इज़ ए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस एज इट टेक्स अवे द टॉप सॉइल मेकिंग इट इनफर्टाइल एंड अनसुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ. यानी इस तरह अगर मिट्टी का कटाव होता रहेगा तो क्या होता है, जो टॉप सॉइल है वो बह के चली जाती है, तो इस तरह हमारी जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, यानी अनउपजाऊ हो जाती है, और हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इरोडेड मैटर्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग प्रोसेस. इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सर्व इन एरियाज ऑफ लिटिल वेजिटेशन. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किसका, इरोडेड मैटर्स फ्रॉम, तो इस तरह जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो इस तरह बीच में क्या होते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं. वेदरिंग प्रोसेस जो है इनका, जिस जैसे इनमें ह्यूमस मिला हुआ है, सिल्ट मिला हुआ है, तो वो अलग हो जाता है, तो इससे ये प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं रह जाते हैं, ठीक है. तो इस तरह सॉइल का इरिजन हो जाता है, ठीक है, यानी एक एरिया से दूसरे एरिया में बह कर चले गए. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको स्टोर करने के लिए हमें वेजिटेशन करना चाहिए, यानी वनस्पतियाँ लगाना चाहिए, ठीक है. अब नेक्स्ट है सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन अकर्स आइदर बाय डायरेक्ट वेस्ट्स और इनडायरेक्टली बाय एयर पोल्यूशन. यानी जो सॉइल है उसका पोल्यूशन होता है डायरेक्टली जो है वेस्ट प्रोडक्ट से, या इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन से. पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी हम पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, यानी अपने खेतों में हम क्या करते हैं, कीटनाशक डालते हैं, जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, जो एक बड़े क्या हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, यानी वो एक तरह से हमारे सॉइल को या हमारे जनजीवन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं. सेवरल पेस्टिसाइड और देयर रेसिड्यू आर एब्जॉर्ब बाई द प्लांट दैट अफेक्ट द एंटायर फूड चेन. यानी जो पेस्टिसाइड है वो उसको हमारे जो प्लांट हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर वो हमारे फूड चेन को क्या करते हैं,
इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन, यानी हमारे जो ह्यूमन, जैसे ह्यूमन हम लोग हैं, हम लोग जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स हैं, लाइव स्टॉक्स एंड अनट्रीटेड स्लेज यूज्ड एज ए मैन्योर पल्यूट द सॉइल, प्लास्टिक वेस्ट डू नॉट डिके एंड एक्ट एज ट्रैप्स फॉर मॉइस्चर एंड प्यूट्रिड एयर विच ब्रीड हार्मफुल बैक्टीरिया। सेलिनेशन ऑफ सॉइल ऑल्सो अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी एंड डिग्रेड्स क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर ये है कि जो हमारे हम लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे अपने बॉडी से जो भी चीज़ हम रिमूव करते हैं उनको हम ऐसे ही वेस्ट के रूप में फेंक दे रहे हैं, जैसे लाइव स्टॉक्स है, अनट्रीटेड सॉइल, यानी हमारे जो भी हम फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ऐसे ही बहा देते हैं लैंड पर, उनको हमें ट्रीट करके बहाना चाहिए। और इस तरह जो है ये इनमें हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो फीड करते हैं और फिर हमारे जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी रेट को अफेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह हमारे सॉइल की प्रोडक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, उसमें जो प्लांट की ग्रोथ होना चाहिए रेगुलर, यानी हमारी जो ग्रेन्स हैं वो फसल हैं जो हमारी, वो उसमें अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस तरह वो लवणीय हो जाता है, यानी सेलिनेशन ऑफ सॉइल आल्सो अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, यानी इस तरह जो है अगर वो उसमें अम्ल ज़्यादा हो जाएगा या क्षार ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फसल उग नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन, यानी सॉइल का हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। दिस मीन्स द यूज ऑफ टेक्निक विच विल प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम एजेंट्स ऑफ इरिजन लाइक विंड एंड वाटर, यानी ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं सॉइल को फ्रॉम ऐसे एजेंट से जो हमारे सॉइल को बहा कर ले जाते हैं, जैसे विंड है या वाटर है। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ इरिजन लाइक application of methods which will add to the fertility of the soil and protect its natural qualities. Afforestation, terrace farming, crop rotation, construction of embankments and contour farming are some of the methods to conserve soil. प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि हम ऐसे मेथड्स को अप्लाई करके सॉइल की फर्टिलिटी रेट को भी रोक सकते हैं और जो सॉइल को हम प्रोटेक्ट करते हैं इसमें नेचुरल क्वालिटीज रहती है। जैसे हम एफॉरेस्टेशन कर दें, यानी हम ढेर सारे मात्रा में जो खाली ज़मीन हमारे पास है उस पर हम वन लगा दें, ठीक है, पेड़ पौधे ढेर सारे लगा दें, या हम टेरेस फार्मिंग यानी जो सीढ़ीदार जो खेत बनाए जाते हैं, या क्रॉप का हम रोटेशन करें यानी हम बदल बदल के अपने फील्ड्स में क्रॉप का प्रोडक्शन करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैकमेंट एंड कंटूर फार्मिंग करें, ठीक है। आर सम ऑफ द मेथड्स टू कंजर्व सॉइल, इस तरह का जो अगर हम करेंगे तो हमारे जो सॉइल है वो उसका हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, किससे, जो सॉइल का इरिजन हो जाता है जिसके कौन कौन से एजेंट्स हैं, विंड है, वाटर है, रनिंग वाटर है, ठीक है, ये सब है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ लेटेस्ट रिवाइज के क्वेश्चन भी हैं, इसको भी आप लोग देख लेंगे। तो हमारा ये चैप्टर खत्म है, अब जल्दी जल्दी से आप लोग जो है इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी देख लेंगे, और उसको देखने से पहले एक बार आप लोग क्विक रिव्यू वाले पॉइंट सारे पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बातें हम लोग क्लास टाइम में करेंगे। तो मैंने वीडियो बना के यहाँ पर आपको दे दिया है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्लास टाइम में मुझसे पूछ लेंगे, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।